हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज मैं बनाऊंगी जौ के आटे की अजवाइन वाली कुकी। और ये जो है मिलेट्स रेसिपी बोल सकते हो आप इसे। जौ का आटा जो है उसको बार्ले भी बोलते हैं, और जौ का आटा मैं घर में ही बना के और रख लेती हूँ, उसी की कुकीज़ मैं बनाऊंगी। और ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो काइंडली जुड़े रहना मेरे साथ पूरी वीडियो में। देखो ये कितनी कितनी सुंदर लग रही है ना ये कुकीज़, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं। और इनको मैं आज ओवन में बनाऊंगी, तो आप जुड़े रहना मेरे साथ पूरी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर जाना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और जिन्होंने कर दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए बनाते हैं जौ के आटे की कुकीज़, अजवाइन कुकीज़, मिलेट्स कुकीज़। जैसे मैंने क्या लिया है, ये जौ का आटा है, और ये बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा है, इसमें कॉर्नफ्लावर है, और ये अजवाइन है, नमक, और ये है देसी घी। देसी घी की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हो, और इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। बेसिकली क्या है कि ये जो कुकीज़ हैं ये तकरीबन जो है मैदा से बनाते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाऊंगी, इसलिए मैंने जौ का आटा लिया है। जौ को बार्ले भी बोलते हैं। ये मिलेट्स रेसिपी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें जाने वाली हैं। तो चलिए बनाते हैं मिलेट्स कुकीज़। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उसका दिल से धन्यवाद। और जाते जाते कमेंट में ज़रूर से लिख के जाना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाते हैं एक अजवाइन वाले कुकीज़, मिलेट कुकीज़। और ये 1 कप देसी घी है, और आधे कप से थोड़ी सी कम ये पिसी हुई चीनी है, और इसमें नमक जाएगा। नमक ये मैं सेंधा ले रही हूँ, आपके पास जो भी नमक है आप वो यूज कर सकते हो। अब ये देखो ये क्रीमी टेक्सचर का हो गया है, अब ऐसा ही टेक्सचर हमने चाहिए। अब इसको रख देंगे साइड में। अब इसमें डाल लेंगे अपना जो आटा है वो 1 कप इसमें भर के, और फिर आधा कप यानी 1.5 कप इसमें जौ का आटा डाल लिया है, और आधी चम्मच बेकिंग पाउडर है, और एक चुटकी जो है बेकिंग सोडा है, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। बिल्कुल अच्छे से भर के डालना है, और अजवाइन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लेना, मैंने इसमें अभी आधी चम्मच डाली है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये आटा हो गया है रेडी। अब क्या करना है, या तो आप ऐसे कैसे इसको फ्रिज में रख सकते हो, या कुकीज़ बना के और फिर उसमें फ्रिज में रख सकते हो। इसको इसकी कुकीज़ बना के और फिर मैं फ्रिज में रखूँगी आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद हमने अवन में बेक करेंगे। और अवन का टेम्परेचर क्या होगा, प्री हीट अवन करके, प्री हीट अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट के बीच में इसको बेक करना है। तो पहले 15 मिनट के लिए रख देना है, और फिर बाद में आपने चेक कर लेना है, क्योंकि जो अवन होता है ना वो सबका टेम्परेचर हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, तो इसलिए बीच में इसको चेक कर लेना है। तो अब इसकी कुकीज़ बना लेते हैं। और मेरे पास ये कुकीज़ ट्रे है, और आपके पास प्लेट है तो प्लेट ले सकते हो, आपके पास कुकीज़ ट्रे है तो ट्रे ले सकते हो, और उसको घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना। ऐसे अपना गोल लोई सी बनाई और थोड़ा प्रेस कर दिया, तो ऐसे बनाने हैं आपने। बाकी आपके पास नोज़ल है तो आप नोज़ल से भी बना सकते हो, कुकी कटर है तो कुकी कटर से भी इसको बना सकते हो। ये देखो
तो ये मैं सारे बना लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने ये सारी कुकीज़ बना ली हैं। अब ये देखो कितनी सारी बन गई। अब आपने क्या करना है, अगर ऐसे ही बनाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे ही बना लो। मैं थोड़ा सा डिज़ाइन दूंगी इसमें, कैसे, मैं जैसे चाकू है ना, इसके ऐसे क्रॉस कर दूंगी ऐसे। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, आप फोक की सहायता से भी डिज़ाइन बना सकते हो। आपके पास कोई डिज़ाइन के लिए कुछ है नहीं तो आप ऐसे बना सकते हो। ये तो हो गया ऐसे डिज़ाइन। आप इसको और भी अच्छे से अगर ज़्यादा बनाना चाह रहे हो तो आप ऐसे ऐसे भी बना सकते हो। तो मैं सारे ऐसे बना लेती हूँ और मैं फिर दिखाती हूँ। अब ये देखो ये सारे मैंने डिज़ाइन बना लिए हैं। कोई बात नहीं, कोई डिज़ाइन के लिए कुछ नहीं है तो आप कुछ ना कुछ सोचो किस से डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये चाकू से देखो कितना प्यारा डिज़ाइन आया है। अब क्या करना है, ये जो अजवाइन है ये बीच में ऐसे लगा देनी है और थोड़ा सा प्रेस कर देना है। इससे ना देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे ये और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो ये सारे लगा के आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में छोड़ दूंगी इसको और फिर अपना अवन में पकाएंगे। अब जो अवन है वो प्री हीट हो गया है। अब अपने बिस्किट लगा लेते हैं इसमें। ये देखो लग रहे हैं ना बड़े मस्त। अब कन्वेक्शन मोड पे 180 और 15 मिनट के लिए इसको लगा देंगे और 15 मिनट के बाद इसको एक बार चेक कर लेंगे। ये देखो अब ये हो गए हैं, देखो बिल्कुल रेडी। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सीरियसली सो लवली कुकीज़। इनको निकाल लेते हैं और दूसरा लोट रख देते हैं। ये देखो नाइस। और वीडियो में ऐसा कलर आ नहीं रहा जितना जैसा कलर इसमें आया हुआ, बहुत ही मस्त वाला कलर आ रहा है। तो ये कुकीज़ हो गई हैं रेडी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। हेल्दी तो है ही है क्योंकि ये मिलेट्स कुकीज़ हैं और अजवाइन कुकीज़ रेडी हो गई है। और ये ना देखो कितनी कितनी मस्त लग रही है ना, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और जितनी ज़्यादा टेस्टी और ये सुंदर लग रही है ना, उतनी ही ज़्यादा ये हेल्दी है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना। और तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक क्या करना है, ये कुकीज़ ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये कुकीज़ कैसी लगी। बाय बाय।